दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वक्त बदल चुका है या फिर घोर कलयुग आ गया है। आप समाज लिखोगे, ब्राह्मण नहीं लिखोगे, यहाँ केवल जय भीम चलेगा। तो अभी तक आप यही सुनते आए होंगे कि जय श्री राम के नारे न लगाने पर दलित युवक को पीटा गया तो मुस्लिम युवक को पीटा गया। जैसा कि मैं एक घटना का जिक्र करूंगा, अगस्त 2022 में राम राम न कहने पर एक सवर्ण जाति के प्रधान ने एक दलित युवक को जमकर पीटा और उसे ना केवल राम राम कहलवाया बल्कि उससे अपना पैर भी चटवाया। और अगस्त 2023 की घटना है मध्य प्रदेश की, जहां कुछ सामंतीय मानसिकता के लोगों ने एक दलित युवक को जमकर पीटा और उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगाए। और यही नहीं बल्कि उन्नाव में कुछ हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों ने मदरसे में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों को जमकर पीटा और उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगाए। खैर, घटना रही 22-23 की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2024 में, नवंबर चल रहा है, अक्टूबर 2024 में कानपुर में कुछ सवर्ण जाति के छात्रों ने मिलकर एक दलित छात्र को जमकर पीटा और उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। दोस्तों, कुल मिला के कहें तो अभी तक आप यही सुनते आए होंगे कि जय श्री राम के नारे लगाकर मुस्लिम युवक को पीट कर मार दिया गया, तो जय श्री राम के नारे ना लगाने पर दलित को पीटा गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि वक्त बदल चुका है, बोले अंबेडकर चौक लिखाएगा, आप रामनगर नहीं लिख सकते हो। दोस्तों, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के रीवा के सोनौरी थाना क्षेत्र में कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ रखा और वहां एक चौराहा था जहां पर उन्होंने एक बोर्ड लगाया और वहां पे लिख दिया श्री राम नगर। सहमति से हमका ये हमारा राम नगर होना चाहिए। फिर क्या, पास में ही रहने वाले दलित समुदाय के लोग उस बोर्ड को लेकर काफी भड़क गए और ब्राह्मण समुदाय से जाकर तू तू मैं करने लगे। सब लोग बोले बहुत अच्छा है बेटा, हम सब आपके साथ है, बहुत सुंदर है, कल हम लोग यहाँ रामनगर लिखवाए। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड का जो लिखा हुआ है उसे जल्द से मिटाओ और इसका जो पुराना नाम था अंबेडकर चौक उसी को रखो। लोग अपना पेंट लेकर के आ गए, बोले यहाँ अंबेडकर चौक लिखाएगा, आप रामनगर नहीं लिख सकते हो। तीन लड़के और सिपाही से हमको बोलने लगे कि आप समाज लिखोगे, ब्राह्मण नहीं लिखोगे, यहाँ केवल जय भीम चलेगा। बोलते यहाँ जय भीम चलेगा, केवल जय भीम चलेगा, अंबेडकर नगर है, रामनगर न लिखो, ये झंडा निकालो अपने अपने घर से। लेकिन ब्राह्मण समुदाय के लोग जो है मानने को कतई तैयार नहीं थे, तो दलित समुदाय के लोगों ने तुरंत कीचड़ उठाया और उस श्री रामनगर पर लगे हुए जो बोर्ड था उस पर फेंक दिया। अब इससे ब्राह्मण समुदाय में रहने वाला एक विशाल तिवारी नाम का जो व्यक्ति था वो दलित समाज के लोगों को गाली गलौज करने लगा। फिर क्या, दलित समाज में भी कुछ भड़काऊ युवा थे जिन्होंने चाकू निकाला और उस विशाल तिवारी को धराधर वार कर दिया। खैर, वो गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन माहौल को बिगड़ते हुए देख प्रशासन ने वहाँ पे सुरक्षा का चाक चौबंद रख दिया। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो अलग अलग समाज के लोगों ने अलग अलग तरीके से कमेंट करना शुरू किया। जैसे कि एक द ब्राह्मण कम्युनिटी नाम के यूजर ने कमेंट किया कि यह देखो एक ब्राह्मण युवक से किस प्रकार से जबरन जय भीम के नारे लगवाए जा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया जाए और ब्राह्मण संरक्षण कानून बनाया जाए। वहीं एक नीचे दलित समाज के यूजर ने, या फिर कोई कह सकते हो, यूजर ने कमेंट किया कि अब समझ में आ रहा है कि धार्मिक नारे लगाकर जब किसी की हत्याएं की जाती हैं या फिर किसी को पीटा जाता है तो कैसा महसूस होता है। बात तो सही है कि धार्मिक नारे लगाकर किसी को पीटना, किसी को जान से मार देने जैसे नियम या फिर कह सकते हो परंपरा तो तुम लोगों ने ही बनाया था, अब काहे को बुरा लग रहा है। खैर, यहाँ पे मुझे एक श्लोक याद आ रहा है कि बोओगे बबूल तो अमरूद कहाँ से खाओगे। धार्मिक नारे लगाकर हत्या करना, पीटना, ये जैसे परंपरा तो तुम लोगों ने ही बनाया था, तो अब झेलो। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हो गया सो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है, इसके लिए साफ पानी की जरूरत होती है और हिंसा चाहे जितनी भी प्यारी हो वो हिंसा ही पैदा करती है। समझ में आ रहा है, तो जो हो गया है वो हो गया है, अब ऐसा ना हो तो ही ठेका है। बट आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग की क्या सोच है इस घटना।